मोगरा तांदुला और खरखरा जलाशय से 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे शिवनाथ नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं और कई गांव व खेत में 3 फीट तक पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और NDRF और SDRF की टीम को मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी गई है। शिवनाथ नदी में मोगरा तांदुला और खरखरा जलाशय से लगभग 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पूर्व में छोड़े गए 62,000 क्यूसेक पानी से पहले ही शिवनाथ नदी अपने खतरे के निशान से लगभग 10 फीट ऊपर बह रही थी। ऐसे में एक बार फिर से 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है और शिवनाथ का पानी पुलगांव नाले से होता हुआ शहरों तक पहुंचने लगा है, जिसका नजारा गंजपारा में साफ दिखाई दिया, जहां रिलायंस पेट्रोल पंप व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। शिवनाथ नदी में निर्मित हुए इस बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिला कलेक्टर से उचित व्यवस्था करने की बात कही, ताकि किसी भी तरह की जनहानि को रोका जा सके। फिलहाल शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से गंजपारा से मिनी माता चौक मार्ग को बंद करना पड़ा है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो मिनी माता चौक से राजनांदगांव की ओर जाने वाले पुराने मार्ग को भी बंद करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने नदी तट के सभी गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान ना हो सके।